आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कोई भी डिवाइस जैसे आपका हेडसेट होता है या फिर एयरपॉड होता है वो आप जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कनेक्टिंग यहाँ पर दिखाई देता है और कनेक्ट ही नहीं होता गाइस, बहुत देर तक ऐसा ही दिखाई देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे फिक्स करना है और कैसे कनेक्ट करना है बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए, अगर आप स्किप करेंगे उड़ेंगे उड़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको बैक आ जाना है, इसे कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ब्लूटूथ होता है उसे बंद कर देना है, फिर इसे फिर से ऑन कर लेना है। फिर क्या करना है आपको, आपको अंदर ब्लूटूथ में चल जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको डिवाइसेस दिखाई देंगे। अगर आपके यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो आप क्या कीजिए, जो आप यूज़ नहीं करते आपको उसे रिमूव कर लेना है, ऐसे अनपेयर कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी ब्लूटूथ हेडसेट है जहाँ जिससे भी प्रॉब्लम आ रही है इसे आपको एक बार अनपेयर कर लेना है। अनपेयर कर देना है, फिर यहाँ पर आपको डिवाइस दिखाई देगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बंद कर देना है एक मरतबा ब्लूटूथ। फिर आपको जो हेडसेट है वो भी बंद करके चालू कर लेना है। इसके बाद ऑन कर लेना है ब्लूटूथ। यहाँ पर आपको डिवाइस दिखाई देगी आपकी, फिर वहाँ पे आपको पेयर करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर पेयर करेंगे तो जो दूसरा डिवाइस होता है ब्लूटूथ डिवाइस, उसमें आपको पेयर करने के लिए वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन होल्ड करना पड़ता है। तो हर एक हेडसेट में एयरपॉड में अलग अलग होता है, तो आपको देख लेना है करके, जिससे आप इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, जो ब्लूटूथ हेडसेट है आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।